हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको परवल आलू की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने आलू और परवल को धो के काट लिया है और इसके लिए हमने लहसुन, सेसाथ अदरक और प्याज काट के रखा हुआ है, टमाटर काट लिया है और साथ में ये काली मिर्च, इलायची और लौंग हमने लिया है। लहसुन, अदरक और टमाटर का हम पेस्ट बना लेते हैं। आइए, हम कढ़ाई में तेल डालते हैं और परवल और आलू को शैलो फ्राई गोल्डन कलर तक करते हैं। ये देखिए, हमारे आलू और परवल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। इसे हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। बचे हुए तेल में हम सबसे पहले जीरा डाल के तड़कने देते हैं, उसके बाद हम अपना प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। हमारा प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अब इसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, तीसी मिर्च, अच्छे से डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद हम कसूरी मेथी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और हम इसके बाद अपनी टमाटर प्यूरी डालकर अच्छे से उसे पकाएंगे धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब तक जब इसका तेल छोड़ने लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारे सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। उसके बाद हम इसमें अपने परवल और आलू डालकर धीमी आंच में 10 मिनट के लिए पकाते हैं। देखिए, हमारे आलू परवल 5-10 मिनट में अच्छे से धीमी आंच में हमने पकाया है, पक गए हैं। अब इसके बाद हम एक गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लेते हैं और ये हमारा परवल